पिकअप वाहन में मवेशियों को झारखंड ले जा रहे दो आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के डभरा थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग मवेशियों को बूचड़ खाना झारखंड ले जा रहे हैं, तो तत्कालीन पुलिस की टीम द्वारा ग्राम खिंडमुंडा में घेराबंदी कर पिकअप वाहन को रोड में रोका गया जिसमें अवैध मवेशियों को झारखंड ले जाया जा रहा था। उक्त आरोपियों के द्वारा परिवहन कर रहे मवेशी गाड़ी को पकड़ा गया। वाहन क्रमांक JH01M8628 में 7 नग मवेशी, जिसमें एक छोटा बछड़ा एवं घायल मवेशी मिला है। आरोपियों द्वारा पिकअप को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मवेशियों के साथ क्रूरता किया गया। वहीं बूचड़ खाना रांची ले जा रहे थे दो आरोपी नुवेब शाह पिता मुजफ्फर शाह उम्र 19 वर्ष एवं अशोक यादव पिता सीताराम यादव उम्र 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 36 कृषक पशु अधिनियम की धारा 6, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 घ व 279 भादवी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/121 कायम किया गया और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़ जांच की चापा टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। डबरा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग मवेशियों को अवैध रूप से पिकअप वाहन में परिवहन कर झारखंड लेके जा रहे हैं और बहुत तेजी और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर उन पशुओं के साथ उनके द्वारा क्रूरता की जा रही है। इस पर पुलिस की टीम तत्काल ही मौके पर रवाना हुई और रोड में घेराबंदी कर उस गाड़ी को रोका गया, पिकअप वाहन को रोका गया और उसमें से 7 नग मवेशी, जिसमें एक छोटा बछड़ा और एक मवेशी उसमें घायल हो गया था, उन सभी मवेशियों को बरामद किया गया और इसमें जो चालक और उसके साथ जो अन्य उसका साथी था नुहेब शाह और अशोक यादव, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक परिरक्षण पशु क्रूरता अधिनियम और तथा पशु क्रूरता अधिनियम और IPC की धारा 279 और साथ ही MV एक्ट की धाराओं के तहत इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।